पिथौरागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के बाद पीएम ने देवभूमि की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जहां कई मामलों को लेकर कटाक्ष किया, तो वहीं उत्तराखंड से अपने जुड़ाव का जिक्र भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। पीएम ने पहाड़ के लोगों से जुड़ते हुए उनका उत्तराखंड से जुड़ाव का जिक्र किया। बता दें कि पीएम मोदी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पेयजल, खेल एवं पर्यटन, आपदा प्रबंधन और बागवानी से जुड़ी कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पिथौरागढ़ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे परिजनों से की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हेलीपैड से सभा स्थल तक करीब 7 किलोमीटर लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ मेरा स्वागत किया। ये जनता का प्यार ही है जो मैं यहाँ हूँ। यहाँ लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं ये देख कर भावुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ को 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसे सौगात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ना तो सौगात है ना ही खैरात, ये उत्तराखंड की जनता का अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी भीषण आपदा आई हो और 40% ऑल वेदर रोड खुर्द बुर्द हो चुकी हो, उस राज्य के लिए 4200 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को प्रचार मंत्री भी बताया। करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड की बजाय मणिपुर और सिक्किम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वाधिक जरूरत है। पिथौरागढ़ पहुंची महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। ज्योति रौतेला का कहना है कि क्या जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, वहां विपक्ष नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस की इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है। गुरुवार को महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी के घर पहुंची। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नजरबंद कर दिया। पुलिस को अंदेशा था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में विरोध किया जा सकता है। लेकिन सुबह 7 बजे से पुलिस का जो रवैया था, 7 बजे इन्होंने हमारे दरवाजे खटखटाए और हम लोगों को बोला कि चलिए आप लोग अभी चलिए। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे गलत चीज़ है कि अगर विपक्ष कहीं में भी सक्रिय है तो ये सरकार और सरकार के लोग ये चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को दबाया जाए। और मैं इस चीज़ के लिए सरकार की निंदा करती हूँ और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि जब लोकतंत्र है तो विपक्ष को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है। प्रधानमंत्री वो भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री वो देश के हैं। और देश के प्रधानमंत्री से अगर कोई बात करना चाहता है और उसके लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो ये इससे बड़ा गलत इस देश में कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी का पिथौरागढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं ऐप्पण गर्ल नाम से जानी जाने वाली निशु पुनेठा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता स्वर्गीय श्रीमती हीराबा की ऐप्पण से सुंदर तस्वीर बनाकर पीएम मोदी को भेंट स्वरूप दिए। निशु पुनेठा के हाथ से बनी जिस चित्र को देख कर प्रधानमंत्री काफी खुश नजर आए और उन्होंने निशु को अपने पास बुलाकर उनके हाथों से बनी ऐप्पण तस्वीर को स्वीकार किया। वहीं जनपद स्तरीय महिला फेडरेशन की अध्यक्ष रेखा भट्ट से भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनके स्टॉल पर पहुंचकर उनसे महिला समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के बारे में जानकारी ली। अपने बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखकर भट्ट और निशु पुनेठा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थीं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ में आगमन हुआ था। महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण किया एवं मेरे द्वारा उनको उनकी माता जी का पोर्ट्रेट जिन्हें मैंने ऐप्पण से सजाया था एवं ऐप्पण की एक नेम प्लेट देने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बहुत बहुत बधाई दी ऐप्पण के प्रचार प्रसार के लिए एवं उन्हें मेरी बनी हुई केतली बेहद पसंद आई। मैं हमारे जिले के पिथौरागढ़ के 4500 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो एक देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हमारे स्टॉल पे आए, हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा बनाई गई उत्पादों का निरीक्षण किया। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में उमड़ी भीड़ से प्रदेश संगठन और सरकार खुश नजर आई। जनसभा सुनने उमड़ी भीड़ से प्रधानमंत्री भी गदगद नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि काफी समय से प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए जिला स्तर पर संगठन ने जो कड़ी मेहनत की वो काबिले तारीफ है। तो ये थे आज के फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। कर लीजिए।